Walk
इजाज़त दीजिएगा हसब साल की तरह कि जब मैं आखिरी शहज़ादे के मसाइब बयान करूँ तब आप इंशाल्लाह जो खुदा आपकी इन आज़ादारियों को भी कबूल फरमाए, आपकी इबादतों को कबूल फरमाए, आपके आने जाने को कबूल फरमाए। हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ और ना हक अदा हो सकता है। ये चंद दिन आपकी खिदमत में जो गुफ्तगू रही उसका टूटा फूटा सा खुलासा कि करबला का असल हदफ ला इलाहा इल्लल्लाह है, तौहीद है, कोई नहीं है माबूद मगर सिवाए खुदा के, और खुदा की वादी में जाने के लिए आपको इमाम की दावत को कबूल करना पड़ेगा, और वो इमाम के जो हक का इमाम है उसकी दावत को आपको कबूल करना, और जो इस दावत को कबूल करेगा उसे इम्तिहान आजमाइश मुसीबतों से गुज़रना पड़ेगा। अब ये जो है ये खासियत है दावत हक की, जिसने भी दावत हक को लब्बैक कहा है उसे आजमाइश देनी पड़ती है इस दुनिया में भी और इस दुनिया के बातिन में भी उसे आजमाइशें देनी है, क्योंकि मकामात ऐसे नहीं मिलते। विलायत आसान नहीं है, विलायत सस्ती नहीं है, विलायत की बहुत बड़ी कीमत है, इसीलिए तो हर कोई विलायत को कबूल नहीं कर पाया, क्योंकि विलायत कीमत मांग रही है। अब ये जो तौहीद है, ये जो तौहीद अमली है प्रैक्टिकल, कि मैं ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहा हूँ अपनी ज़बान से, ला इलाहा इल्लल्लाह मेरे वजूद से नज़र आना चाहिए, मेरी ज़िंदगी के चारों तरफ के जो मामलात हैं वो ये बताएं कि मैं एक खुदा की इबादत करता हूँ। मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि दो तरह के इमाम हैं, दो तरह की दावतें हैं, एक वादिय हिदायत है, वादिय तौहीद है। खुदा कुरान में भी कह रहा है कि हमने जो है वो करार दिया, वजअलना आइम्मतन, हमने आइम्मा को किस लिए, हिदायत के लिए करार दिया, हज़रत इब्राहिम के लिए जो और उनके औलाद के लिए। ये आयत वैसे तो नाजिल हुई लेकिन खुदा ने आइम्मा को हिदायत के लिए, दूसरे जो इमाम है वो आग की तरफ दावत दे रहे हैं, वो जहन्नुम की तरफ दावत दे रहे हैं। दुनिया इन्हीं दो पैकेज कह लें, दो ब्लॉक कह लें, दो कशिशें कह लें, इन्हीं दो कशिशें अट्रैक्शन के दरमियान में ज़िंदगी गुजारी जा रही है। अब हम जितनी सलाहियत इमाम की तरफ जाने की लगेंगे अपने वजूद में, उतना हमारा मकनातीस हमें इमाम की तरफ लेके जाएगा। जितने हम दुनिया परस्त होंगे, दुनिया की ख्वाहिशात होंगी, जलालत होगी, गुमराही होगी, गुनाह होगा, मासियत होगी, उतने हमारी मकनातीसी ताकत हल्की हो जाएगी और हम बड़ी तेज़ी से जो है वो इमाम नार की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि शैतान अपनी पूरी ताकत के साथ रूए ज़मीन पर कार फरमा है। शैतान सो नहीं रहा, गाफिल नहीं हो रहा, वो कोई लम्हा कोई चीज़ ज़िंदगी का छोड़ता ही नहीं है। शेख अंसारी का, शेख मुफीद का, शेख अंसारी का गालिबन दोनों में से एक का वाक़िया है कि शागिर्द ने देखा कि मैंने ख्वाब में देखा कि शैतान जो है वो उसके हाथ में बहुत सारी चेने हैं, कोई बहुत छोटी छोटी हैं, कोई बड़ी बड़ी हैं, कोई पतले से धागे हैं, कोई बहुत बड़ी हैं जिससे लंगर डलते हैं बड़े बड़े जो है वो किश्तियों। तो उसने पूछा कि ये किसके लिए, कहा जिसके अंदर जितनी सलाहियत होती है उतनी बड़ी मेरी चेन होती है उसे खींचने के लिए। तो कहा ये सबसे बड़ी जो है वो किसके लिए, कहा ये तुम्हारे उस्ताद के लिए। फिर उसने पूछा अपने बारे में कि हमारे लिए क्या है, कहा तुम्हें मुझे किसी चेन की ज़रूरत नहीं है, तुम तो वैसे ही हवाओं के झोंकों पे हमारी तरफ आ जाते हो। कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में ऐसे ही होते हैं कि ज़रा सा बस ज़रा सी बात इश्तियाल पैदा कर देती है, ज़रा सी चीज़ इंसान को भड़का देती है, ज़रा सी गुनाह की लज्जत इंसान के पाँव को उखाड़ देती है। वो कुछ लोग ऐसे ही हैं दुनिया में, कुछ लोग ऐसे हैं कि बहुत। तो ये सुबह अपने उस्ताद की खिदमत में पहुँचे और उस्ताद से पूछा, उस्ताद ऐसे ऐसे मैंने ख्वाब देखा है, माजरा क्या है। कहा सही कहा उसने, कहा मेरे घर चंद दिन से फाका था, मेरे पास पैसे नहीं थे, मगर मेरे पास कुछ वजूहात शरी थी, लेकिन वो मेरी नहीं थी, वो किसी और का थी। तो मेरे जहन में ख्याल आया कि मैं इसमें से कर्ज ले लेता हूँ,
और फिर जब मेरे पास आएगा तो मैं वापस रख दूंगा। गुनाह नहीं कर रहे, किसी का हक नहीं खा रहे, कर्ज ले रहे हैं, जायज है। लेकिन जितना बड़ा मर्तबा होता है मामलात उतने सेंसिटिव हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि अगर आप माशरे में कोई जिम्मेदारी ले रहे हैं तो आपके कंधे पे बहुत सेंसिटिव है। या तो जिम्मेदारी माशरे की, सोसाइटी की, कौम की, उम्मत की कबूल ना करे, लेकिन अगर कबूल की है तो फिर सेंसिटिविटी है, फिर जूम करके कैमरे से आपको देखा जाएगा और देखा जाएगा। तो कहते हैं मैंने नियत की, घर से निकला, बाजार तक पहुंचा, दुकान के पास मुझे ख्याल आया कि अगर मैं मर जाऊं तो किसे क्या पता चलेगा कि मैंने कर्ज लिया था कि नहीं लिया था। कहा बस ये ख्याल आया, मैं वापस आ गया। कहा वो चेन तोड़ दी, वो शैतान अपने सिस्टम को। अब आप बोलेंगे जी हमें शैतान कुछ ना कहे, और ऐसा मुमकिन नहीं है। आपको इस वादी जलालत से गुजरना पड़ेगा, इसी को उबूर करना पड़ेगा। लेकिन आपका इमाम आपकी हिदायत के लिए है, अगर आप नियत कर ले तो आपका इमाम इस वादी से आपको निकाल के ले जाएगा, और ये ज़रूरी है। और उसके लिए ये एक इंसान ला इलाहा इल्लल्लाह को मजबूत करे। जो खुदा पर तवक्कुल करता है वो सिबकत हासिल करने के लिए, खैर के लिए दौड़ता है। कुरान भी कह रहा सबिकून सबिक, वो जो पहले पहुंचेंगे वो कामयाब हैं, जो पहले खैर तक पहुंचेगा वो। ये मुकाबला है ना, ये खैर को हासिल करना। इसलिए रिवायात भी कहती हैं कि बाकी चीज़ों में बेशक पीछे रहो लेकिन नेकी में सबकत हासिल करो। अगर कहीं ऑप्शन मिल गया है कोई नेकी करने का, किसी की हेल्प का, किसी को पानी पिलाने का, किसी की मदद करने का, किसी की स्कूल फीस देने, कोई भी ऑप्शन है, इसमें सबकत हासिल करो। इंतज़ार मत करो बस में बैठे हुए हो तो बुज़ुर्ग आ गया, अब सोच रहे हैं कि वो उठेगा कि मैं उठूँ। सबकत हासिल करो, तुम खड़े हो, ये नेकी में सबकत हासिल करो। लेकिन जो इस नेकी की दौड़ में है उसे दुनिया के मसाइल रोकते नहीं हैं, उसे सेहत, उसे बीमारियां, उसे दौलत, उसे शोहरत, उसकी औलाद उसके पाँव में जंजीरों की तरह उसे पकड़ती नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे नेकी में सबकत हासिल करनी है। सईद शौदा अलैहिस्सलाम ने करबला में यही दरवाजे को खोला है, आओ सबकत हासिल करो, लेकर आओ जो है तुम्हारे पास, आओ दरवाजा खुला है। इमाम ने ऐसा दरवाजा खोला है आज तक खुला हुआ है। आप देख लेना कौन सा ऐसा रास्ता है, दर है दुनिया में जो आज भी शहादत दे रहा है सिवाय इस रास्ते के, कोई है दरवाजा? इमाम ने जो दरवाजा खोला करबला में, क्या वो दरवाजा बंद हो गया? आज भी खुला हुआ है। कल दमस्कस में बीबी के हरम के बाहर जो धमाका हुआ, हद अकल 6 लोग तो शहीद की खबर आ चुकी है। क्यों शहीद हुए, किस वजह से शहीद हुए? क्योंकि बीबी जैनब के रोजे गई हिफाजत कर रहे थे उधर चेक पोस्ट पे, वहीं के लोकल थे। ये शहादत का दरवाजा आज भी खुला है, मगर वहां रहने वाले ये बता रहे हैं और उन्होंने दुनिया और कौमों को बताया है कि ये खातून एक दफा असीर हुई थी, अब हम दोबारा असीर नहीं होने देंगे। रास्ता सैयदुश्शोहदा का है, मजाक है, लोगों ने बदनों के टुकड़े करा दिए, मगर नहीं, एक दफा हो गया, अब जमाना किसी और का है, अब कोई और है जो आने वाला है। जुम्मे का दिन मुतवक्का ज़हूर का दिन है, आज जुम्मे का दिन मुतवक्का ज़हूर का दिन है। आज इमाम नहीं आए, हम में से कितनों का दिल उदास हुआ? बेशक आप जुलूस में थे, आप न्याजों में, सबीलों में, मजलूसों में, सब इमाम के लिए है, सब इमाम, लेकिन दगदगा रहा कि किसी जुलूस में, किसी सबील पर मुझे इमाम मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, मैं भी किसी को पानी पिलाऊँ वो इमाम हो। अब ये दगदगा तो होना चाहिए। जाने मोहतरम खूब असल वारिस आज़ादारी का वही है, मैं और आप नहीं है। हम तो बहरहाल इस आज़ादारी को उन तक पहुंचाना चाहते हैं कि सही और सालिम उनके जद की आज़ादारी उनके जहूर तक पहुंच जाए।
جو توحید کی وادی میں آ جاتا ہے پھر اسے دنیا کے معاملات، دنیا کی چیزیں اس کے پاؤں کو جکڑتی نہیں ہے، اسے کوئی چیز روکتی نہیں ہے، وہ ان چیزوں میں پھنستا بھی نہیں ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ظاہراً جو دنیا کے اندر ہیں، یہ اس کے ارادوں کو ضعیف نہیں کرتی، کمزور نہیں کرتی۔ اور اگر اس کے اوپر کوئی آزمائش یا امتحان آتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا پروردگار ایسا میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، نہیں، وہ خدا کی بارگاہ میں شکر کرتا ہے، پروردگار تیرا شکر ہوں، تو چاہتا ہے میری آزمائش لے، کتنے لوگوں کی تو آزمائش لے رہا ہے، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے مجھے امتحان میں ڈالا ہے، چاہے امتحان صحت کا ہو، چاہے مال کا ہو، چاہے اولاد کا ہو۔ وہ یہ نگاہ وادی توحید کی نگاہ ہے۔ مگر سید الشہداء پر ہم زیارت عاشورہ میں بھی پڑھتے ہیں، زیارت اربعین میں بھی پڑھتے ہیں کہ کتنی بڑی مصیبت ہے جو آپ کے اوپر آئی، جو زمین اور آسمان میں کسی کے اوپر نہیں آئی، مگر کہیں پر امام نے یا امام کے گھر والوں نے یہ کہا کہ یہ کیسی مصیبت ہے، یہ کیسی مشکل ہے؟ نہیں کہا۔ ہر شخص خدا کی بارگاہ میں شکر کرتا ہوا نظر آ رہا، کیوں؟ کیونکہ جانتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے۔ کاش ہم بھی ان مجلسوں سے اٹھے اور ہماری زندگی میں لا الہ الا اللہ آ جائے۔ معاشرہ ایک خدا کے اوپر اور ایک خدا کی دیوی کتاب اور اس کے رسول پر قائم ہو جائے۔ یہ آپس کی نفرتیں، یہ فرقے، یہ دیکھیں، یہ ہم نے اسلام کے نام پر ہی تو ہے، یہ دشمن اسلام کی تو طاقت ہی نہیں کہ وہ اسلام سے لڑ پائے، اس نے بہت سالوں سے یہی حربہ جو ہے وہ نکالا ہوا ہے کہ آپس میں مسلمانوں کو لڑاؤ، شیعہ سنی کو لڑاؤ، آپس میں سنیوں کو لڑاؤ، فرقوں کو، آپس میں قبیلوں کو، ان خوب انہی کے اندر اسی مذہب کی آتش کو، اور ہمارے ہاں جو جہالت کے پیروکار ہیں وہ دین کے نام پر دین کو بیچ دیتے ہیں۔ کم از کم ہم اپنی زندگی میں دین کو نہ بیچیں۔ ظاہر محترم، دنیا کی زندگی کتنی ہے، کتنے سال جی لیں گے ہم؟ قیامت میں خدا کو جواب دینا ہے کہ نہیں دینا؟ لا الہ الا اللہ اپنے وجود میں اتارے۔ آپ گناہ کرتے ہیں، یہ گناہ آپ کے وجود کو آلودہ کر دیتا ہے۔ گناہ کا ایک ظاہر ہے، گناہ کا ایک جڑ ہے جو انسان کی خصلتوں میں ہوتی ہے، اور ایک گناہ کا باطن ہے۔ یہ تین علماء گناہ کی لیئرز بیان کرتے ہیں۔ گناہ استغفار سے، خدا کی بارگاہ میں رونے سے، توبہ کرنے سے ظاہر گناہ ہٹ جاتا ہے۔ اسی طرح روایات کہتی ہے کہ بقاء الحسین، سید الشہداء پر گریہ کرنا گناہوں کو صاف کر دیتا ہے۔ یہ جو ہم رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، یہ صرف مظلومیت کے لیے ہے، مصیبت کے لیے ضروری ہے، لیکن یہ گناہ کو صاف کر دیتا ہے۔ اور پھر انسان اپنی ان خصلتوں کو جس کی وجہ سے گناہ کرتا ہے اسے نکالے، لیکن باطن گناہ جب تک نہیں صاف ہوتا، جب تک آپ دشمن خدا اور دشمن ولایت پر تبرع نہ کریں۔ اور یہ تبرع وہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہمارے یہاں بہت لوگ رائج ہیں، تبرع یعنی براعت کرنا، اللہم لعن، آج کی شب آپ پڑھتے ہیں اللہم لعن قتلۃ، تو جس نے امام حسین کو قتل کیا ہماری کیا اس پر لعنت ہو، جس نے آپ کی اولاد کو قتل کیا اس پر لعنت ہو، جس نے آپ کے اصحاب کو قتل کیا اس پر لعنت ہو۔ یہ لعنت خود، ہم کہہ رہے ہیں خدا تو لعنت بھیج، یعنی خدا کی لعنت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی خدا رحمت کو ان کے اوپر سے ہٹا دیتا ہے۔ اصل لعن کے معنی یہ ہے کہ انسان اپنے وجود سے تبرع کرے۔ وجود سے تبرع کا مطلب ہے کہ میں کم از کم وہ کام تو نہ کروں جو اللہ، اس کے رسول اور اس کے ولی کے دشمن انجام دیتے ہیں۔ یہ کیسا تبرع ہے کہ میں زبان سے کہہ رہا ہوں مگر میرا عمل خدا نہ خواستہ ان کاموں کو انجام دے کہ جو میرے مولا کے مخالفین انجام دیتے۔ روایات یہی کہتی ہیں کہ جو مومن ہے اس کے قلب میں نور ہے، اور گناہ
बिल्कुल ऐसी है जैसे समंदर के ऊपर झाग होती है ना, झाग हकीकत नहीं होती, पानी हकीकत होता है। गुनाह उस धोखे की तरह है जो मोमिन अंजाम देता है, लेकिन अगर वो इमाम हुसैन पर गिरिया करे, वलायत का पैरोकार रहे, तो खुदा इस गुनाह की झाग को अलग कर देता है और मोमिन को पाक कर देता है। मजलिस यार, मजलिस पाकीजगी की जगह है, पाक करने की जगह है, बुका की जगह है। इमाम ने एक रात की मोहलत मांगी थी, क्यों? ताकि मैं रात को कुरान की तिलावत और नमाज में गुजार सकूं। रावी बयान करते हैं कि खैमों से ऐसे आवाजें आ रही थी कुरान की तिलावत की जैसे शहद की मक्खियों की आवाज़ें आ रही होती है। कुरान की तिलावत कर रहे हैं, इबादत में है, कोई रुकू में है, क्यों? क्योंकि असल मकसद दुनिया को बता रहे हैं कि असल मकसद यही है जिसके लिए हुसैन इब्ने अली आया हुआ है। ये वाज़े और इससे वाज़े और क्या इमाम बताते दुनिया को। शबे आशूर आई, और शबे आशूर के अपने मसाइब हैं, बस मैं आपसे ज़्यादा, मैं बहुत खुदावंद मुताल की बारगाह में, आई इमाम की बारगाह में, जहाँ भी मुझे ज़्यारत का मौका मिला, आप सब के लिए दुआ गो हूँ कि खुदा हमें अपने इमाम की तरफ बढ़ने की तौफीक अता फरमाए। शब आशूर मुसीबतें बहुत सारी हैं। पहली चीज़ जो बीबी जैनब सलामुल्लाह अलैहा के वजूद में आई वो ये थी कि सुबह क्या मेरे भाई का साथ देंगे या नहीं देंगे। बहन थी, बहन को, बहन सबसे ज़्यादा अपने भाई के करीब है। खैमों को इमाम ले, फिर खैमों दिखाया, असाब के खैमे दिखाए, हबीब इब्ने मज़ाहिर तमाम असाब को लेके बैठे हुए हैं और क्या कह रहे हैं कि देखो बेशक हम बाहर के लोग हैं लेकिन देर नहीं करनी, ये ना हो हमसे पहले अहले बैत का खून बहाया जाए। वहां दूसरे खैमे में देखा तो हजरत अब्बास बनी हाशिम के जवानों को लेके बैठे हुए हैं। कहा बनी हाशिम के जवानों ख्याल रखना, वो जो सब हैं वो हमारे मेहमान हैं, ये ना हो कहीं वो हमसे पहले चले जाएं। बीबी जैनब कहती हैं अजीब, हर शख्स पहले जाना चाहता है। ये शबे आशूर मंजर है, माएँ खैमों में अपने बच्चों को तैयार कर रही है, बेटा सुबह तुमने ज़्यादा, कितनी सख्त रात है, आखिरी गुफ्तगू है बहन और भाई की, न जाने बाज बच्चे किस तरह अपने बड़ों को देख रहे हैं। ये चांद जो मुहर्रम का करबला पर है ये आखिरी दफा देख रहा है, रात की पहर आई। एक रावी बयान करता है, हलाल इब्न नाफे से बयान है कि मैंने देखा कि इमाम रात की तारीकी में कहीं जा रहे हैं, मैं पीछे पीछे इमाम के हुआ, इमाम ने मुझे देखा मेरी तरफ, कहा क्या करो? कहा मौला रात का वक्त है। मैंने कहा आप अकेले ना जाएं। कहा अब आ गए हो तो आओ। फिर वो कहता है कि मुझे इमाम ने एक एक कर कर मकाम दिखाए। कहा ये मकाम देख रहे हो? हाँ मौला। कहा यहाँ कासिम गिरेगा। कहा ये मकाम देख रहे हो? कहा यहाँ अली अकबर गिरेगा। एक एक कर पर मकाम दिखा रहे हैं, यहाँ अब्बास के बाजू। एक मकाम से वो कहता है कि इमाम बड़ी तेजी से आगे गुजर गए। मैंने कहा मौला बहुत तेजी से। कहा क्यों, क्या हुआ? कहा किसी खातून के रोने की आवाज आ रही है। इमाम ने कहा हाँ ये वो मकाम है जहां मैं खुद घोड़े से गिरूंगा और ये खातून कोई और नहीं, ये मेरी माँ है।
हाँ आजादारा ने आज की रात वो मां मदीना से न जाने किधर किधर आएगी। अल्लाह अकबर। बड़ी सख्त रात है आजादारा ने मोहतरम। कोशिश करें अपनी हालत को भी गम में रखें, गम की हालत में रहें, क्योंकि ये रात फिर नहीं आएगी। ये आखिरी रात है, अली असगर अपनी मां की गोद में है, ये आखिरी रात है। कल अली असगर मां की गोद में नहीं होगा। अल्लाह अल्लाह। बच्चों वाले हैं ना, कभी छोटा बच्चा हो, शख्स कहता है कि शदीद सर्दियों की रात थी, सर बर्फ पड़ी हुई थी, गाड़ी खराब हो गई हाईवे पे, सर्दी इतनी थी कि गाड़ी में बैठते तो मर जाते, बाहर हमने बहुत कोशिश की गाड़ियों को रोकने की, गाड़ियां रुकी नहीं। हमारे पास छोटा सा बच्चा था, हमने बच्चे को हाथ में उठाया और सड़क पे यूं कर दिया, कहा गाड़ियां रुकना शुरू हो गई। अजीब थे ये करबला में लोग। हल मिन नासिर यंसुरना, है कोई मेरी मदद करने वाला? बस चंद मराहिल हैं, सुन के मातम कीजिएगा। चंद मराहिल हैं, जब तक याद आते रहे गिरिया करते रहिएगा। बाबुल हवाइज है, याद रखिए जिंदगी में जब सारे दरवाजे बंद हो ना, इस बच्चे से तवस्सुल किया करें। ये बड़े दरवाजे खोल देता, बहुत दरवाजे खोलता है। आजादारा ने मौत है, इमाम ने कहा ना, है कोई मेरी मदद करने वाला? देखा खेमों में कोहराम मचा, इमाम आए। मैंने कहा नहीं कि अभी मैं जिंदा हूं, आप जब तक ख्याल करें। कहा नहीं, जब से आपने गुर्बत का ऐलान किया है ये बच्चा किसी आगोश में सबर नहीं लेता। इमाम ने बच्चे को अपनी आगोश में लिया। बस अली असगर भी खामोश हो गए, क्यों? जानते थे ये आखिरी आगोश। खेमे से बाहर निकलने लगे, वो छोटी बच्ची भी होगी, देख रही होगी, भाई पानी पीने जा रहा है। बस अज़ादारा ने मोहतरम, इमाम ने अपनी आबा में अली असगर को डाला और चले हैं। कहते हैं बुलंदी पर पहुंचे, बुलंदी पर, ऊंचाई पर, और सामने वाले लश्कर से कहा कि देखो तुम मुझे पानी नहीं देते तो इस बच्चे को तो पानी दे दो। मक्तल कहता है अली असगर की जबान ऐसे तड़प रही थी जैसे मछली पानी के बाहर तड़पती है। दश्त करबला है ना, अश्किया का लश्कर है, लेकिन जब उन्होंने बच्चे को देखा तो रोना शुरू हो गए, गिरिया शुरू कर दिया। अब जो गिरिया शुरू किया तो देखा ये बच्चा जंग जीत जाएगा। हुरमला हुरमला, इस बच्चे की प्यास को बुझा दो। आजादारा ने मोहतरम, तीन फलों वाला तीर आया। बाज मक्तल कहते हैं, बस सुन के दो जुमले, सुन के दो जुमले, अजदबाज मक्तल कहते हैं कि इमाम अपने बेटे के लब पे बोसा देना चाह रहे थे, उसी वक्त तीर लगा। अली अकबर ने, अली असगर ने अपने आप को पलट दिया कि मेरी निगाहें भी मेरा बाबा ना देखे। अजादारा ने मोहतरम, ये छोटा सा बच्चा इतना भारी हो गया कि इमाम से चला नहीं गया, एक कदम बढ़ाते हैं इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अरे इतना बच्चा मां मर ना जाए, इमाम ने खेमों के पीछे छोटी सी कब्र बनाई, अली